अटेली थाना अंतर्गत आने वाले गांव कारिया में एक पति ने अपनी पत्नी की लकड़ी काटने वाले तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद के गले पर भी आरी चला ली, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल पहुंचा दिया, जबकि घायल को गंभीर अवस्था के चलते पीजीआई रोहतक में एडमिट करवाया गया है। आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ गांव में किराए पर रहता था, जबकि वह मुख्य रूप से रेवाड़ी के जैनाबाद ढहीना का निवासी है। रेवाड़ी जिले के जैनाबाद ढहीना निवासी केवल राम अपनी पत्नी मोना के साथ कारिया बस स्टैंड पर अस्थायी रूप से रह रहा था। वह यहां पर लकड़ी का काम करता था। गुरुवार को किसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इस दौरान उसने लकड़ी काटने वाली आरी से अपनी पत्नी मोना का गला काट दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद उसने अपने गले पर भी आरी चला ली, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घायल को अटेली अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको आगामी उपचार के लिए रोहतक रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची अटेली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि मोना के पति ने मोना पर तेजधार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी, वहीं खुद को भी घायल कर लिया। मृतक मोना का शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं उसके पति को हायर सेंटर रोहतक रेफर कर एडमिट करवाया हुआ है, वहां पर आईओ को भेजा है, वो उसके बयान दर्ज करेगा। सर, आज कारिया गांव में एक मर्डर की सूचना है, क्या है पूरा मामला सर, विस्तार से बताएंगे? ये लड़की है मोनू और उसका हस्बैंड है केवल, वो अपना कारी के पास में मेन रोड के साथ में वो लोग रहते हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि उस लड़की ने अपना गला काट लिया, जो उसके बाद आने के बाद हमने उसका घर भी एक सरपंच जो हमारा प्रदीप है उसके साथ लेकर उसको देखा, तो उसकी घरवाली जो है उसकी मोनू की भी वहाँ पे डेथ हुई हमें मिली। तो सर ये मर्डर कहेंगे आत्महत्या कहेंगे? नहीं, देखिए उसका गला कटा हुआ है, तो अभी हमने इसमें हत्या में इसका एफ आई आर दर्ज किया उसके भाई के जान पर, लड़की के जान पर। और सर जो उसका पति है उसकी क्या हालत अभी? वो उसका अभी और तक में एडमिट है, वहाँ हमने अपना यो भेजा हुआ उसकी स्टेटमेंट नोट करने के लिए। क्या उसने भी सुसाइड करने का प्रयास किया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिर आपको बता।